अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ साहब फ्रॉम GM Tech। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो मेरे पास शाओमी का, रेडमी का नोट 10 प्रो मोबाइल फ़ोन यूज़ में अवेलेबल है, तो आज मैं आपको इसकी जो मार्केट प्राइस चल रही है उसकी वो बताऊंगा और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है बताऊंगा। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी। जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली हमारा चैनल आज भी सब्सक्राइब कर लें और रिंग बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो कलर देख रहे होंगे, जैसे कि मेरे पास बहुत ही खूबसूरत कलर है, ग्रेडियंट ब्रॉन्ज कलर है। ये 8 GB इसकी रैम है, 128 GB इसकी स्टोरेज है। इतना ज़्यादा जो है आपको मतलब ये सेट इतना यूज़ नहीं हुआ हुआ, क्योंकि नया सेट आया है मार्केट में और काफ़ी शॉर्ट है अभी मार्केट में। नया जो है इजीली अवेलेबल नहीं है, जगह कम पीस आते हैं कंपनी की तरफ से और वो जो है सेल हो जाते हैं, फिर वो आपको इतना इजीली नहीं मिल रहा है मार्केट में। तो कलर मेरे पास जो है खूबसूरत कलर है। ये कंडीशन जो है इसकी आपको मैं बता रहा हूँ कि 10x10 कंडीशन है। आप साइड से बात करें, रिंग से या नीचे से बात करें, नीचे से भी देख रहे हैं आप, बिल्कुल 10x10 सेट है। 8 GB वेरियंट वाला सेट है ये, और फ्रंट पे जो है ग्लास प्रोटेक्टर लगा हुआ है, लेकिन फ्रंट जो है बिल्कुल साफ है, किसी किस्म के आपको इसमें स्क्रैचेस वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेट का वेट का। 192 ग्राम सेट का वेट है। 6.67 इंचेस आपको डिस्प्ले मिल जाता है। एमोलेड टच स्क्रीन मिलती है इसमें आपको, फुल HD प्लस आपको इसमें रेजोल्यूशन मिल जाते हैं। और इसमें बताना चाहूँगा आपको 395 जो है इसका PPI है। फ्रंट पे इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की जो है प्रोडक्शन मिल जाती है। 120Hz जो है इसका रिफ्रेश रेट है। चिपसेट जो इसमें लगा हुआ है आपको बताना चाहूँगा 732G लगा हुआ है। स्नैपड्रैगन कॉलकॉम स्नैपड्रैगन लगा हुआ है 732G का 8 नैनोमीटर के साथ। बाकी मैं आपको एक बार डिटेल्स चेक भी करवा देता हूँ इसके अबाउट फोन में आके। इसकी जो डिटेल्स है, जो एंड्रॉयड वर्जन इसमें आ रहा है वो 11 आ रहा है एंड्रॉयड वर्जन आपको, और इसकी जो स्पेसिफिकेशन आपको मिल रही है वो 8 GB रैम के साथ मिल रही है और 128 GB जो इसकी स्टोरेज है, 128 GB की स्टोरेज है। जैसे कि आपके सामने मॉडल नंबर इसका आ रहा होगा। बैक साइड पे आपको जो है इसमें क्वाड कैमरा देखने को मिल जाते हैं। 108 MP मिलता है आपको वाइड एंगल के साथ, प्लस 8 MP मिलता है आपको अल्ट्रा वाइड एंगल, प्लस 5 MP मैक्रो कैमरा मिल जाता है, और प्लस 2 जो है आपको इसमें डेप्थ सेंसर मिल जाता है। फ्रंट में इस पर आपको जो है सिंगल कैमरा दिया हुआ है, पंच होल कैमरा 16 MP का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो बात करते हैं इसकी बैटरी की, 5020mAh की बैटरी है। फास्ट चार्जिंग जो है सपोर्ट करता है 33W के चार्जर के साथ, आपको जो है फास्ट चार्जिंग मिलेगी इसमें। और साइड पर जो है इसका फिंगरप्रिंट दिया हुआ है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है इसका, तो वो भी आपको मैं अभी चेक करवा देता हूँ इसका कि फिंगरप्रिंट कैसा वर्क कर रहा है। जो प्रोसेसर है इसका और कैमरा जो काफ़ी अच्छे हैं, कैमरे भी आपको मैं चेक करवाऊंगा इसके। ये इसकी सेटिंग में अगर आएंगे तो इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आ रही हैं। डिस्प्ले आपको इसमें 120Hz मिल जाता है रिफ्रेश रेट। फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा फ़ोन है, अगर आप बात करते हैं प्रोसेसर की और कैमरे की, काफ़ी डिमांड है इसकी मार्केट में इस वक्त और काफ़ी शॉर्ट है अभी ये मॉडल। तो इसका जो सिक्योरिटी है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ फिंगरप्रिंट की, और फेस अनलॉक भी इसमें दिया गया है। पहले मैं एक बार आपको जो है इसका जो फिंगरप्रिंट है साइड माउंटेड वो चेक करवा देता हूँ। Xiaomi के जो है अभी काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुए हैं जैसे कि आपको पता होगा, और ये नोट 10 प्रो जो इसमें काफ़ी जो है फेमस मॉडल रहा है, वो काफ़ी शॉर्ट डिमांड रही है इस सेट की। यूज़ में भी जो है अभी ये पहला सेट आया मेरे पास, वरना यूज़ में भी इतना इजीली अवेलेबल नहीं है ये सेट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बिल्कुल सही वर्क कर रहा है इसका फिंगरप्रिंट। फेस अनलॉक भी इसमें आपको मिल जाता है, फेस अनलॉक भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ कि वो कैसा वर्क कर रहा है। अमूमन इनके जो फेस अनलॉक वगैरह होते हैं या फिंगरप्रिंट होते हैं काफ़ी क्विक होते हैं, इतना कोई इशू नहीं आता आपको। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बढ़िया इसने फास्ट जो है मेरा फेस को डिटेक्ट किया है, तो रिस्पांस काफ़ी अच्छा है सेट का। डिस्प्ले भी आपको इसमें अच्छा मिलता है और बैटरी भी इसमें आपको अच्छी दी गई है, 5020mAh की बैटरी मिलती है और एमोलेड टच स्क्रीन है इसका, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शन दी गई हैं आपको इसमें, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की ऑप्शन मिल जाती है लॉक स्क्रीन पर। MI की जो अपडेट्स होती हैं वो आपको पता है कि काफ़ी जल्दी क्विक अपडेट्स आती हैं MI की, तो इसमें इतना इशू नहीं आता। समटाइम MI का जो इशू आता है आपको बताना चाहूँगा, सॉफ्टवेयर का इनका समटाइम इशू बग्स वगैरह आते हैं, लेकिन वो आपको जब अपडेट आती है उसके बाद वो इशू रिजॉल्व हो जाते हैं, इतने खास इशू नहीं होते। नॉर्मल इशू आते हैं, लेकिन जब आपकी अपडेट आती है मोबाइल की उसके बाद इशू सारे जो हैं ये रिजॉल्व हो जाते हैं। बाकी इसमें वॉलपेपर और थीम की अलग से ऑप्शन दी गई है, तो फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये। बाकी आगे कैमरे के, 108 MP जो है इसका आपको फ्रंट बैक कैमरा दिया हुआ है, मेन कैमरा 108 MP मिलता है इसमें आपको। और इसमें आपको जो जूमिंग दी गई है वो आपको बताना चाहूँगा 10x तक जूमिंग मिल जाती है इसमें आपको। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड के ऑप्शन है इसमें, मोर में आएंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगी
व्लॉग की ऑप्शन आ रही है, स्लो मोशन की आ रही है, डुअल वीडियो की आ रही है। डुअल वीडियो जो है आजकल काफ़ी मोबाइलों में आना शुरू हो गई है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। पोर्ट्रेट मोड से मैं एक बार आपको पिक्चर लेके भी इसके चेक करवा देता हूँ कैसा रिजल्ट है इसका। फ्रंट मेगापिक्सल से भी मैंने पिक्चर ली है, वो भी आपको चेक करवाता हूँ। 16 मेगापिक्सल जो है इसका फ्रंट कैमरा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पिक्चर की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। कलर्स वगैरह और क्वालिटी देखें, अगर आप बात करते क्वालिटी काफ़ी अच्छी है ये पिक्चर की, फ्रंट कैमरे की ये पिक्चर है। और ये बैक कैमरे का जो रिजल्ट है, इसका बैक कैमरा भी जो है इसका आउटस्टैंडिंग कैमरा है। बैक कैमरा, फ्रंट और बैक कैमरा दोनों इसके जो हैं बहुत खूबसूरत कैमरे दिए हुए हैं। इस प्राइस, अगर आप प्राइस रेंज की बात करते हैं तो उस प्राइस रेंज के हिसाब से अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी डिवाइस है ये। बाकी आपको बताना चाहूँगा ये सेट जो है जस्ट 1 वीक जो है यूज्ड है, बाकी इसका आपको बॉक्स मिल जाएगा। गेमिंग के लिए भी जो है फ़ोन काफ़ी अच्छा है, ये चिपसेट काफ़ी अच्छा लगा हुआ है, आपकी गेम काफ़ी जो है इसमें अच्छी चलती है, लैग वगैरह नहीं होती और काफ़ी डिमांड है इस सेट की। इसके अलावा मैंने इसकी जो सिंपल फोटो ली हुई है वो भी आपको चेक करवाती हूँ। ये इसका जो है कैमरे का रिजल्ट है, पोर्ट्रेट के बगैर अगर आप पिक्चर लेते हैं तो क्वालिटी जो है कैमरे की, फ्रंट और बैक कैमरे की, मुझे बहुत ही पसंद आई है। काफ़ी अच्छे जो है इसके कैमरे हैं, वरना अमूमन कैमरे जो होते हैं एमआई के इतने खास नहीं होते। प्रोसेसर बाकी इनका अच्छा होता है लेकिन कैमरे जो है नॉर्मल देते हैं, लेकिन इस फ़ोन में इन्होंने कैमरे प्लस आपको प्रोसेसर जो दिया हुआ है वो आउट क्लास दिया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। कैमरे वगैरह इसके हर चीज़ ओके है और फास्ट प्रोसेसर है इसका, और आपको रिफ्रेश रेट भी जो है इसमें अच्छा मिलता है। 120 Hz इसका जो है रिफ्रेश रेट है। साइज़ भी जो है 1 एंड ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट वगैरह इसका जो है काफ़ी फास्ट है और फेस अनलॉक भी जो है इसका काफ़ी क्विक है। बाकी मेरे पास जो है इसका बॉक्स भी जो है अवेलेबल है, तो जस्ट बताना चाहूँगा जो न्यू इसकी प्राइस आ रही है 47,999 रुपीज़ की नया आ रहा है ये, तो अभी मेरे पास ये फुल वारंटी में अवेलेबल है सेट। आपको इसके साथ इसका कवर मिल जाएगा, हैंड फ्री आपको पता है कि इसमें अब MAE नहीं दे रहा, तो इसका जो चार्जर मिल जाएगा, पैक सामान जैसे कि आप देख रहे होंगे इसका बिल्कुल पैक सामान बड़ा हुआ है, अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ हुआ। तो बाकी जो है सेट ओवरऑल काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। यहाँ से आपको मैं इसकी बताना चाहूँगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आएंगे, यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो टाइम वगैरह दिया हुआ है वो भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। यहाँ से आप वॉच वगैरह जो आ रहा है एनालॉग वो सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप चेक कर लें। यह आपकी जो है स्क्रीन पे आ जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की। और इसके अलावा बताना चाहूँगा जो इसकी वारंटी स्टार्ट हो रही है मेरे पास, अगस्त से जो है इसकी वारंटी स्टार्ट हो रही है, अभी स्टार्ट नहीं हुई हुई। आपको पता है कि MAE की जो वारंटी होती है वो कुछ जो मंथ्स होते हैं वो ज़्यादा देते हैं, 2 मंथ एडवांस वारंटी देते हैं। तो अभी सेट की जो वारंटी है मेरे पास अगस्त से जो है स्टार्ट होनी है, अभी स्टार्ट नहीं हुई हुई। और सेट मैंने आपको बताया इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, बाकी परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो उस लिहाज से काफ़ी जो है अच्छी डिवाइस है। कहूँगा आपको जो सेट की प्राइस है मेरे पास, प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि आपको पता कि इसकी जो अभी मार्केट है काफ़ी अच्छी मार्केट है और काफ़ी कम जो है यूज़ में आ रहा है और न्यू भी जो है इजीली अवेलेबल नहीं है। तो प्राइस बताना चाहूँगा कि 43,000 रुपीज़ सेट की जो है प्राइस है। जो भी कस्टमर परचेज करना चाहते हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो लिंक है वो भी इस वीडियो के एंड में ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। प्राइस क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी ज़्यादा प्राइस इसलिए क्योंकि शॉर्ट मॉडल है और न्यू भी इजीली अवेलेबल नहीं है, तो जो भी इसका रेट लगता है तो हाई रेट लगता है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस थोड़ी सी अप है और सेट भी जो है काफ़ी अच्छा है। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।